प्यारे बच्चों, JCERT द्वारा संस्कृत का मॉडल सेट 1 आप लोगों को श्री उत्तम कुमार मंडल, जो +2 उच्च विद्यालय गोपी कांदर में PGT शिक्षक संस्कृत के हैं, इनके सहयोग से मैं आप लोगों को उत्तर बता पा रहा हूँ। श्री उत्तम कुमार जी अपने से आप लोगों का व्याख्या के साथ सारे प्रश्नों के आंसर बताएंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, और अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, और साथ ही संस्कृत के बच्चों तक यह वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। खुद पढ़े, दूसरों को भी पढ़ाएं, दूसरों को भी लाभान्वित करें, यही उद्देश्य रहना चाहिए। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड द्वारा द्वितीय सावधिक परीक्षा 2021-22 मॉडल प्रश्न पत्र सेट 1 वर्ग 11 विषय संस्कृत पूर्णांक 40 समय 1.5 घंटा। अब देखना है, निर्देश दिया गया है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। परीक्षार्थी अपने शब्दों में ही उत्तर देना लिखना है। इस प्रश्न पत्र में 3 खंड है, क, ख और ग, एवं प्रश्नों की संख्या 19 है। अगला है कि प्रश्न संख्या 1 से 7 तक अति लघु उत्तरीय है, इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न का मान अंक निर्धारित है। अगला है कि प्रश्न संख्या 8 से 14 लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न का मान 3 अंक निर्धारित किया गया है। अगला है कि प्रश्न संख्या 15 से लेकर 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दें और प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित किया गया है। अब हम लोग खंड क को देखते हैं कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ है कि अस्मिन् खंडे सर्वे प्रश्नाः समानंका केचन पंचेव प्रश्नाः पूर्णवाक्येन समाधेयः। इस खंड में 5 सभी प्रश्नों का अंक समान है कि इसमें किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर का समाधान देना है। 1 नंबर है कि चरक संहिताया रचयिता कः, यानी कि चरक संहिता का रचनाकार कौन है। तो चरक संहिताया रचयिता चरक मुनि अस्ति, चरक संहिता का रचयिता कौन है, तो चरक मुनि है। अगला क्वेश्चन है कि महिमा शाही सेनानी प्राण रक्षाए कुत्र आगच्छत। महिमा शाही सेनानी या मोहम्मद शाह प्राण रक्षा के लिए कहाँ गए। उसका उत्तर है महिमा शाही सेनानी प्राण रक्षाए दयावीरस्य हमवीर देवस्य पार्श्वे आगच्छत। महिमा शाही सेनानी प्राण रक्षा के लिए दयावीर के पास गए, दयावीर हमवीर देव के पास गए। अगला क्वेश्चन है शरणागत रक्षाए का वीरगतिम अलभत। शरणागत रक्षाए वीरगतिम अलभत। तो उत्तर है कि शरणागत रक्षाए हमवीर देव वीरगतिम अलभत, शरणागत के रक्षा के लिए हमवीर देव वीरगति प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन है गांधीन आत्मकथा मूलतः कस्याम भाषायाम लिखिता। तो इसका है कि गांधी का आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखा गया है। तो उत्तर है कि गांधी ने आत्मकथा मूलतः गुजराती भाषायाम लिखिता, यानी गांधी जी का आत्मकथा जो है मूलतः गुजराती भाषा में लिखा गया है। अगला है को गांधी ने हृदय नित्य सन्निहितो आस्ताम, कौन जो है गांधी जी के हृदय में समाहित है। तो यहाँ उत्तर है हरिश्चंद्र श्रवणी गांधी न हृदय नित्य सन्निहिति आस्थान। हरिश्चंद्र और श्रवण का कथा जो है गांधी जी के हृदय में नित्य सन्निहित है। अगला है ईसा कुत्र अस्ति इति पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः, भगवान कहाँ है, ईश्वर कहाँ है, यह पाठ कस्मात् ग्रंथात् संकलितः, किस ग्रंथ से संकलित है। तो इसका उत्तर है इति पाठः गीतांजलिया ग्रंथात संकलित है, यह पाठ गीतांजलि ग्रंथ से लिया गया है, संकलित है। अगला क्वेश्चन है कीदृशम भोजनम बलाभि वृद्धिम उपजनयति, किस प्रकार का भोजन बल को बल देता है। तो उत्तर है तो स्निग्धम भोजनम बलावृद्धि उपजनयति, और इसमें इसका हो गया कि चिकना युक्त भोजन जो है बल को प्राप्त होता है, बल देते हैं। अगला खंड ख में देखते हैं कि सर्वे प्रश्नाः समानंका
केचन पंचेव उत्तरत, सभी प्रश्न समान, सभी प्रश्नों का अंक समान है, इसमें से 5 प्रश्न का उत्तर देना है। निर्देशानुसारम रूपम लिखत, कौन नंबर है कि पठ, पट धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचने रूप क्या होगा, तो पट धातु का लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन का रूप होगा पठंती। अगला है दृश्य लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचने क्या होगा, तो दृश्य लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचने अपश्य। अगला है अस्र लिट लकार उत्तम पुरुष द्विवचने क्या होगा, भविष्य अस का होगा भविष्य भविष्यवाद। अगला है उचित क्रियापदे रिक्त स्थानानि पुर्यत, उचित क्रियापदे रिक्त स्थानानि पुर्यत, कौन नंबर है कि छात्रा प्रतिदिनम विद्यालयम डैश गच्छति और गच्छन्ति है, तो यहाँ छात्रा छात्रो छात्रा, यहाँ छात्रा करता है तो ये बहुवचन का रूप है, और यदि कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन में होगा, तो छात्रा प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छन्ति, यानी कि गच्छति गच्छता गच्छन्ति, यहाँ गच्छन्ति होगा। अगला है एकदा अहम बने एकम व्याघ्रम अपश्यम, एक बार यहाँ जो है एकदा अहम, अहम करता है, यहाँ क्या है कि कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन में है, तो यहाँ अपश्यम जो है क्रिया जो है अप, यहाँ क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में अपश्यम होगा। गौ नंबर है अयोध्या राजा दशरथ, यहाँ आसन और आसीत क्या होगा, अयोध्या राजा दशरथ जो है अयोध्या के थे, तो क्या होगा यहाँ आसित होगा, क्योंकि दशरथ जो है ये करता है एक वचन का है, इसलिए आसित अस्ताम आसन रूप चलता है, ये प्रथम पुरुष एक वचन में आसित है तो आसित होगा। 10 नंबर है उचित विभक्ति संयोज रिक्त स्थानानि पुर्यत, उचित विभक्ति को संयोज कर रिक्त स्थान का पूर्ति करना है। डैश उभयत दृक्षा संति, यहाँ है कोष्टक में दिया गया है नगर, तो यहाँ द्वितीय विभक्ति लगता है, तो नगरम उभयतः वृक्षा संति। इसके बाद स डैश वस्त्राणी यच्छति, यहाँ भिक्षुक है, तो भिक्षुक में भिक्षुकाय या चतुर्थी व्यक्ति लग गए भिक्षुकाय, स भिक्षुकाय वस्त्राणी यच्छति। ग नंबर है पिता डैश स वनम गच्छति, यहाँ पुत्र है तो यहाँ पुत्रेन, पिता पुत्रेन स वनम गच्छति। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर यथा निर्देश परिचय लिखत, निर्देश को पढ़कर इसका प्रश्न लिखना है, उत्तर लिखना है। जैसे पद लकार पुरुष वचनम, इसका पद क्या है, लकार क्या है, पुरुष क्या है और वचन क्या है। भवामी, यहाँ जो है भू धातु का लट लकार, भू धातु का लकार है लट लकार, उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। गमिष्यन्ति, गम धातु लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। अगला है अपठन, अपठ धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। अगला है अधोलिखितानाम पदानाम वाक्येषु प्रयोगम कुरुत, अब इसको नीचे लिखे गए पदों का वाक्य में प्रयोग करना है कि कौन नंबर है रोटिका, यानी कि रोटी, तो भोजने रोटिका महत्वपूर्ण अस्ति, भोजन में रोटी महत्वपूर्ण है। इसके बाद ख नंबर है आम्रम, यानी कि आम, स आम्रम खादति, वह आम खाता है। इसके बाद ग नंबर है सत्यम, राम सत्यम वदति, राम सत्य बोलता है। 13 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं पर्याय पदम लिखत, पर्याय पदम कौन नंबर है कमलम, तो कमलम का पर्याय क्या होगा अंबुजम और जलजम। ख नंबर है जलम, जलम का होगा नीरम और वारी। ग नंबर है मेघ जलधर और घन। अगला क्वेश्चन 14 नंबर देख रहे हैं विलोम पदम लिखत, उल्टा पद लिखना है, विलोम पद लिखना है इसका, तो कौन नंबर श्वेता, श्वेता का होगा श्याम। ख नंबर प्राचीनतम तो आधुनिकतम, ग नंबर है गुरु तो गुरु का हो जाएगा छात्र। अब खंड ग में देखते हैं कि सभी प्रश्न समान अंक का केचन त्रयानाम उत्तरत, यानी कि सभी प्रश्नों का अंक समान है, इनमें से 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। 15 नंबर है अधो लिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्तान प्रश्नानाम उत्तरत, नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है। अब देखते हैं यहाँ कि संसारस्य सर्वेषां प्राणीनां जीवने जलस्य महत्त्वम् अत्यधिकं वर्तते, जलेन एव मानवानां शरीरं किं वा अखिलानां जीवजन्तूनां वृक्षादीनां चापि देह जलेन एव पुष्यते, यो अपि जनः जलस्य प्रयोग करोति स एत
जनातु यत् जलस्य संरक्षणं सदैव सर्वत्र च अनिवार्यं, यदि कथमपि जलं न स्यात् तर्हि सर्वम् एव जगत् विनिष्टं भविष्यति। इसका एक पद में उत्तर देना है, क्या है कि मानवानां शरीरं केन पुष्यते। इसका दूसरा लाइन में है कि जलेन एव मानवानां शरीरं किं वा अखिलानां जीव जंतूनां वृक्षादीनां चापि देह जलेन एव पुष्यते। तो क्या होगा इसका आंसर, जलेन होगा। अगला है भविष्यति इति क्रियायाः कर्तृपदं किं, भविष्यति इति क्रिया का जो है यह क्रिया का कर्तृपद क्या होगा, तो जगत। ख नंबर है कि पूर्णवाक्यन उत्तरत, यदि जलम न स्यात् तर्हि किं भविष्यति, तो यदि जलम न स्यात् तर्हि सर्वम एव जगत विनिष्टम भविष्यति। इसका होगा यदि जल नहीं होगा तो क्या हो सकता है, तो यदि जल नहीं होगा तो सभी जगत विनिष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अगला है कि कस्य संरक्षणम सदैव अनिवार्यम, किसकी संरक्षण करना सदैव अनिवार्य है, तो जलस्य संरक्षणम सदैव सर्वत्र च अनिवार्यम, जल का संरक्षण करना सदैव और सभी के लिए जो है अनिवार्य है। ग नंबर है यथा निर्देशम उत्तरत, अत्र शरीरम अस्य क पर्याय, यहाँ जो है इस गद्यांश में शरीर का पर्याय क्या है, तो उत्तर होगा इसका देह। अगला है कि प्राणी नाम अस्य विशेषणम किम, प्राणियों का यहाँ इस गद्यांश में जो है प्राणी का विशेषण क्या होगा, तो यहाँ होगा सर्वेशाम। तीन नंबर है स इति सर्वनाम पदम कस्मे प्रयुक्तम, तो उत्तर होगा इसका जनः। चार नंबर है कि महत्वम अस्य कृते का क्रिया अत्र प्रयुक्ता, तो इसका आंसर होगा वर्तते। अगला है 16 नंबर, दीनद्वयस्य अवकाशार्थम स्वप्राचार्यम प्रति एकम आवेदन पत्रम लिखत, दो दिनों की अवकाश के लिए अपने प्रधानाचार्य के प्रति एक आवेदन पत्र लिखना है। यहाँ उत्तर है कि सेवायाम, जैसे हम लोग हिंदी में लिखते हैं सेवा में, उसी प्रकार संस्कृत में लिखना है सेवायाम प्राचार्य महोदय प्लस टू उच्च विद्यालय गोपीकांदरम दुमका। तो यहाँ अपना अपना स्कूल का नाम लिख देना है। इसके बाद विषय में लिखना है कि दीनद्वयस्य अवकाश प्राप्त्यर्थम आवेदन पत्रम, दो दिन के अवकाश के लिए आवेदन पत्र। अब यहाँ नीचे लिखना है महोदय सविनयम निवेदयामि यत अहम भवताम विद्यालय एकादश कक्षायाम पठामि। सविनय निवेदन यह है कि हम आपके विद्यालय के द्वादश कक्षा बारहवीं कक्षा में पढ़ता हूँ। गतः दिवसात अहम तीव्र ज्वरेण पीड़िता अस्मि। गत दिनों से जो है मैं तीव्र ज्वर से पीड़ित हूँ। अस्मात् कारणात् विद्यालयम् आगन्तुम् असमर्थ अस्मि, इस कारण से विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः दीनद्वयस्य, यहाँ दिनांक लिखना है, जैसे इसमें लिखा हुआ 25/5/2022 दिनांक 26/5/2022 यावत अवकाशम स्वीकृत्य भवन्तः माम अनुग्रहन्तुम्, यानी कि अतः दो दिन की जैसे कि यहाँ 2 दिन का डेट दे देना है और दिनांक लिख देना है, यावत अवकाशम यहाँ तक, यानी कि 2 दिन का तक अवकाश स्वीकृत भवन्तः माम अनु आपको स्वीकृत करने का अनुग्रह करता हूँ। इसके बाद दिनांक हो जाएगा यहाँ 25/5/2022 भवताम आज्ञाकारी शिष्य, हाँ इसके शिष्य में नाम अनुक्रमांक रोल नंबर ये सब लिख देना है। इसके बाद ये कंप्लीट। अगला देखते हैं 17 नंबर, मंजूषात उचित संकेतेन अधोलिखिताम कथाम पूरयित्वा पुनः लिखत। मंजूषात यानी कि खाली जगहों को उचित संकेत के आधार पर जो है इसका क्या लिखना है, उचित अधोलिख नीचे लिखे गए खाली जगहों को भरना है। तो इसमें मंजूषा को पहले हम लोग देख लेते हैं कि जालम व्याधः स्वपरिवार केन प्रतीक्षाम। तो यहाँ देख रहे हैं कि आसीत गोदावरी तरे तीरे विशाल श्यालमली वृक्ष, यानी कि गोदावरी नदी के किनारे विशाल श्यामल का वृक्ष है, वृक्ष थे। अत्रीर विविधा पक्षी न, यानी कि वहाँ पर जो है विविध अनेक प्रकार के पक्षी जो है क्या है निवसंती समय देश में होगा, तो अनेक प्रकार के पक्षी स्वपरिवार के साथ वहाँ रहते थे। एकदा कश्चन देश तत्र आगत्य बहुन तंडुलान तंडुल कनान विक्रिय, मतलब एक बार जो है
एक बार ब्याज है यानी कि तत्र वहाँ आकर बहुत जो है चावल बिखेर दिया यानी क्या होगा ब्याज है। इसके बाद देश है बिक्री। इसके बाद देश के बाद प्रसार यत स्वयं च प्रक्षत्र भूत्वा कपोतानाम देश कृतवान। यहाँ बिक्री के बाद यहाँ देश में हो जाएगा जालम। हाँ जालम जाल को प्रसार जाल को बिछाया और स्वयं च प्रक्षत्र भूत्वा कपोतानाम यानी कि कबूतर जो है वहाँ प्रतीक्षाम कृतवान प्रतीक्षा कर रहे थे। अत्रांतरे चित्रगिरीव नामा कश्चन कपोत राजा। इसके अनंतर में क्या हो गया चित्रगिरीव नाम का एक जो है कबूतर का राजा उसका नाम था चित्रग्रीव नाम कश्चन कपोत राजा यानी कबूतर का राजा रात्रो तत्र आगत रात में वहाँ आ जाता है। तत्र प्रकृणाम तंडुल कानान दृष्ट्वा स चिंतवान यत निर्जने वने तंडुलानाम प्रक्रिया केन कृत भवे कृतम भवेत। ये जो है निर्जन वने जो है इस निर्जन वन में जो है चावल का टुकड़ा चावल कौन फेंका इसके विचार में भी उसके विषय में वो लोग विचार किए केन कृतम भवेत। मंजूषा हो गया। 18 नंबर है गद्यम इति विधाया वैशिष्ट्यम प्रतिपाद्य। उत्तर है कि गद्य काव्य से प्रमुखा विशेषता यानी कि गद्य काव्य का के लिए विशेषता बताना है। एक नंबर है छंदो रहिता रचना गद्यम कथ्यते। छंद जो छंद के छंद रहित रचना गद्य कहलाता है। संस्कृत से गद्य साहित्यम अत्यंतम प्राचीनम अस्ति। संस्कृत साहित्य का संस्कृत का गद्य साहित्य अत्यंत प्राचीन है। संस्कृत गद्य साहित्य समासशैल्या आधिक्यम भवति। संस्कृत गद्य साहित्य में समासशैल्या का अधिक है। ओज है संस्कृत गद्य से प्राण है। ओज जो है संस्कृत गद्य का प्राण है। संस्कृत गद्य साहित्य से कथा का नाम मूलम लोक कथा संति। संस्कृत गद्य साहित्य का कथा मूल लोक कथा है। गद्य से भेद द्वय मान्यते कथा आख्या का आख्यायिका च। गद्य के भेद जो है मान्यता दो भेद माना गया कथा और आख्यायिका। कथाया कथानकम काल्पनिक भवन्ति कथाओं का कथानक कथा काल्पनिक होता है। आख्यायिका कथानकम ऐतिहासिकम भवति और आख्यायिका का कथा जो है ऐतिहासिक है होता है। गद्य से विषय प्रसिद्धम यस्ति यत गद्यम कविनाम निकषम वदन्ति। गद्य से विषय गद्य के बारे में प्रसिद्ध है क्या प्रसिद्ध है कि गद्यम कविनाम निकषम वदन्ति। इसका अगला है प्रमुख गद्य काव्यानि संति सुबंधु। प्रमुख गद्य काव्यानि मतलब कि प्रमुख गद्य कौन कौन से लिखे हैं कि सुबंधु वासवदत्ता दंडी दशकुमार चरितम बाणभट्ट कादम्बरी हर्षचरितम च अंबिकादत्त व्यास शिवराज विजया। अगला देख रहे हैं कि अधोलिखित रचनानाम लेखकानाम नामानी लिखत। नीचे लिखे गए लेखकों का नाम लिखना है। हाँ गीतांजलि कौन लिखा है तो रविंद्रनाथ टैगोर। रामायणम कौन लिखा है तो वाल्मीकि ही। चरक संहिता कौन लिखा है तो चरक मुनि। अभिज्ञान शाकुंतलम कौन लिखा है तो कालिदास। कादम्बरी कौन लिखा है तो वानभट्ट। ठीक है प्यारे बच्चों ये संस्कृत का क्वेश्चन का आंसर जो है मॉडल के क्वेश्चन मॉडल सेट तीन है। तीन में हाँ तो ये एक नंबर मॉडल का आंसर बताएं और तीनों सेट पूरा कर लेना है। इस वीडियो के माध्यम से तीनों सेट बारी बारी से हम दे देंगे हम लोग। इसके बाद इसको याद कर लेना है। क्वेश्चन इसी पैटर्न के आधार पर ही पूछा जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय।